नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते मेरे इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन सी सीरम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि गार्नियर विटामिन सी सीरम को चेहरे पर अप्लाई करने से क्या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, और जिस तरह से इसकी कंपनी ने ये दावा किया है कि इस सीरम को चेहरे पर लगाने के 3 दिन में ही ये चेहरे पे जितने भी डार्क स्पॉट है, पिंपल्स, एक्ने, कील, मुहासों के निशान है, उन्हें रिड्यूस करके ये चेहरे को एक ब्राइट एंड फेयर लुक देने का काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस सीरम को लगाने से क्या कुछ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, इसे किस तरह से लगाया जाता है, यानी कि इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसे लगाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और कौन से स्किन टाइप के लोग इस सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही हम इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, और ये सिर्फ लगाने के बाद क्या कुछ साइड इफेक्ट यानी कि दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे का रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मेडिसिन और कॉस्मेटिक से रिलेटेड ऐसे सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि विटामिन सी क्या है और इससे हमें चेहरे को क्या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, विटामिन सी यह एक प्रकार का वाटर सोल्युबल विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। मतलब ये हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको खत्म करता है। इसके अलावा विटामिन सी हमारे स्किन को ब्राइटन करने का काम करता है, साथ ही ग्लूटाथियोन और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रोडक्शन में भी मदद करता है, साथ ही ये एक्सफोलिएट करता है डेड स्किन सेल्स को। मतलब ये हमारे जो ऊपर की लेयर होती है स्किन की, जो डेड स्किन होती है उसे निकालने का काम करता है, और वहां पर नए सेल्स रिजनरेट करने में मदद करता है, जिससे कि हमें हमारी त्वचा जो है वो ब्राइटन दिखने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, विटामिन सी हमारे स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, तो स्मूथ बनाने में भी मदद करता है, और साथ ही ये आयरन के अब्सॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। दोस्तों, स्किन केयर में विटामिन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह से कंपनी ने ये दावा किया है कि ये प्रोडक्ट 3 दिन में ही ब्राइटन और स्पॉटलेस ग्लो देता है, तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी अनइवन स्किन टोन है, चेहरे पे दाग धब्बे है, पुराने निशान है, फिर चाहे वो पिंपल्स के निशान हो, एक्ने के मुहासों के निशान हो, या फिर व्रिंकल्स, फाइन लाइंस, ये सारी प्रॉब्लम है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ये सीरम 3 दिन में ही रिड्यूस करता है, कम करता है, और चेहरे को एक ब्राइटर ग्लो देने में मदद करता है, और साथ ही एक प्लम्पी और स्मूथ स्किन बनाने में भी मदद करता है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कंपनी ने ये दावा किया था कि ये 3 दिन में ही डार्क स्पॉट को या फिर जो व्रिंकल्स वगैरह है, फाइन लाइंस है, इन्हें हटा देता है, लेकिन आपको एक फेयर और ब्राइटन लुक के लिए आपको इसे कम से कम 10 से 12 दिन रेगुलरली इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये 100% रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यदि आपके चेहरे पे से बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, एक्ने के मुहासों की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में आप इस सीरम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे कंडीशन में इस सीरम के कोई भी बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते। यदि ऐसे कंडीशन में आप इस सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी जो पिंपल्स, एक्ने के मुहासों की प्रॉब्लम है वो बढ़ भी सकती है। सो ऐसे कंडीशन में आप इस सीरम का इस्तेमाल ना करें। यदि पिंपल्स, एक्ने के मुहासों की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में आप बेंजोइल परोक्साइड, एजिलिक एसिड या फिर एडाफ्लिन जैसी क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि विटामिन सी सीरम को किस तरह से लगाया जाता है और किन स्किन टाइप के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, गार्नियर विटामिन सी सीरम की यदि हम बात करें, तो इस सीरम को हर स्किन टाइप के, यानी कि ऑल स्किन टाइप के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर चाहे वो आपकी ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसे नॉर्मली रात को सोने से पहले लगाया जाता है। इसे लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद बहुत ही कम क्वांटिटी में, यानी कि 4-5 ड्रॉप ही आपको चेहरे के लिए सफिशियंट है, तो इसे रात को चेहरे पर लगाना है, और सुबह ठंडे पानी से आप इसे धो सकते हैं। दोस्तों, साइड इफेक्ट की यदि बात करें, मतलब ये सीरम लगाने से क्या कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, तो जिन लोगों के चेहरे पर एक्ने के मुहासों की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को इसकी वजह से इरिटेशन हो सकती है, या फिर उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है।
और जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो उन लोगों को भी इरिटेशन हो सकती है, तो जिनकी ऑलरेडी बहुत ही इरिटेटिंग स्किन है तो वे लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें। ध्यान रहे दोस्तों, जब तक आप विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करते हैं तब तक दिन में कोई भी एक अच्छे से सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों ये डिफरेंट पैकेजिंग में आपको देखने को मिलते हैं। 7 ml सीरम आपके नज़दीक किसी भी कॉस्मेटिक या फिर मेडिकल शॉप पर आसानी से 129 यानी कि 129 रुपये में देखने को मिलेगी। और इसकी जो सेकंड पैकेजिंग आती है वो 15 ml में आती है, तो ये आपको 250 रुपये में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट्स एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।